Assalamu alaikum, my dear student. Today we are going with the document object model which we will be studying in JavaScript. So let me start with document object model. Introduction to document. What is introduction? Now see here, in document object the main concept where we are having in the diagram. यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, window object है, ये जो parent tree है, और यहाँ पे उस parent tree को फिर location provider करता है, document provider करता है, फिर नेविगेटर होता है, फिर हिस्ट्री. पर यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर आप देखो उसके फॉर्म ऑब्जेक्ट्स होंगे, लिंक ऑब्जेक्ट होंगे, इमेज ऑब्जेक्ट और एंकर ऑब्जेक्ट. ये पूरा डायग्राम रिलेट होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पे. तो व्हाट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट? ये क्या है, एक इंटरफेस है दैट प्रोग्रामर्स को एंड द स्क्रिप्ट टू डायनामिकली एक्सेस एंड अपडेट द कंटेंट. मतलब क्या हो रहा है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप प्रोग्राम्स जो है और स्क्रिप्ट्स को डायनेमिकली मतलब आराम से एक्सेस, डायनेमिकली मतलब यू अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट इट विल बी एक्सेसिंग अपडेटिंग द कंटेंट स्ट्रक्चर एंड द स्टाइल ऑफ द डॉक्यूमेंट. ओके, तो जो आपको करना है, जैसे आप अगर डॉक्यूमेंट्स में लग रहा है कि इवेंट्स कुछ डालने हैं कुछ, तो कैसे वो ऑब्जेक्ट लिंकअप होगा, कैसे वो वर्कआउट होगा, वो सारा काम ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में होता है. इसके संदर्भ आपका स्ट्रक्चर कैसे वेब पेज का होना चाहिए, कंटेंट क्या क्या पुट करना है, कौन सा स्टाइल आपको डालना है, दैट्स द मेन थिंग वी आर गोइंग विद. डॉम जो है वो जो डॉम मॉडल जो बना था, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो बना था, वो W3C से दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्टेंट से बना था के इंट्रोड्यूस किए थे. HTML डॉम क्या है? HTML डॉम इज अ स्टैंडर्ड. अब यहाँ पे जो भी डॉम का है जावास्क्रिप्ट में, जो भी आप कोडिंग करोगे तो वो HTML से रिलेटेड अप होगा. तो इसलिए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल HTML स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मॉडल के साथ इंटरफेस करता है. अब उसमें पहले तो आप दिखाएंगे एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स आप कंटेनर डाल रहे हैं कि एम्प्टी डाल रहे हो, कौन सा एलिमेंट डाल रहे हो, कैसी प्रॉपर्टीज़ है उस एलिमेंट्स के HTML में, कौन सा मेथड है आप एक्सेस करने के लिए डाल रहे हो, कौन सा इवेंट के माउस इवेंट डाल रहे हो कि कीपर्स इवेंट डाल रहे हो. तो ये ऑल थिंग्स, ऑल दिस रिकॉर्डिंग एंड एवरी थिंग विल बी इंट्रोड्यूस इन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में जो बेसिकली है वो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की प्रॉपर्टीज़. What we are having document object model. अब यहाँ पे head है, तो head की क्या description है, element of returns the element of the document. तो head क्या करता है, जो भी element उसके अंदर interact कर रहे हो, जो put कर रहे हो वो है. title क्या कर रहा है, set और return the title of the. तो title जो आप, मैंने web page एक simple web page, तो उसको जो title आप setup करोगे उसके लिए description. URL हो जाए uniform resource लेकर, कहाँ पे आपका कहाँ से वो फाइल डालना है, कौन से यूरल पे ये आपको ये करना है, कहाँ पे है वो. जैसे कि सिंपल वीडियो पे भी अगर आप देखो यूट्यूब पे जाओगे तो URL मिलेगा, लोकेशन उसको कॉपी पेस्ट करोगे या फिर उसको डाउनलोड करता है. सिमिलरली योर बॉडी और इमेज क्या है, ये एलिमेंट्स है जो अपनी कंटेंट बॉडी के अंदर क्या कंटेंट आप डाल रहे हो, ये सारे बेसिकली प्रॉपर्टीज है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के. नेक्स्ट उसके जो मेथड्स हैं वो क्या है, एक तो पहले राइट मतलब आप राइट मतलब क्या एक्सप्रेशन क्या देना चाह रहे हो जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड में वो. दूसरा राइट ln दैट इज पुट न्यू लाइन को ऐड करना है, कैरेक्टर ऐड करना है, स्टेटमेंट ऐड कर रहा है फॉर ईच, तो उसमें आप राइट ln करने वाले हो. फिर गेट एलिमेंट बाय ID, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वे एक्सेस कैसे कर रहे हो फॉर्म का, एलिमेंट्स क्या एक्सेस कर रहे हो, अब उसके हिसाब से उसकी कौन सी मेथड है, कौन सी प्रॉपर्टी आईडी प्रॉपर्टी आप यू डाल रहे हो जो टू फाइंड दिस एलिमेंट, तो वो सारा ये गेट एलिमेंट्स में. तो मतलब बेसिकली अगर आप देखा जाए तो डॉम के तीन मेथड्स बेसिकली यूज होते हैं, राइट एलिमेंट एंड गेट एलिमेंट्स बाय आईडी. नेक्स्ट डॉम के बाद जो आता है वो है विंडो ऑब्जेक्ट. डॉम के अंदर जो विंडो ऑब्जेक्ट है उसे हम कहते हैं पेरेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सबसे पहले एक हायरार्की है. एक सिंपल एग्जांपल देखो, अगर कोई भी चीज़ हो जैसे कि एक ऑटोमोबाइल्स हम डाल रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स तो उसके अंदर जो एट्रीब्यूट है, तीन व्हीलर है, टू व्हीलर है, वन व्हीलर है, तो वो इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो विंडो जो होता है मेन है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का, और इसे कहते हैं हम लोग पेरेंट ऑब्जेक्ट. और ये ओपन विंडो इन द इट रिप्रेजेंट न्यू विंडो जो ब्राउजर में ओपन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा. और ये विंडो क्या करता है, ऑटोमेटिकली जब भी आप इसको स्टार्टअप करोगे ऑटोमेटिकली ब्राउजर को ओपन करेगा. तो एक क्रिएट करने के लिए है हमारा.
अब इसमें जो विंडो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है आपका, इसमें आपका नेम होगा, ठीक है, तो आप नेम सेट कर सकते हो, लोकेशन कहाँ से आप ले रहे हो, किस डॉक्यूमेंट को यूज़ कर ऑब्जेक्ट फॉर द विंडो, स्टेटस क्या ले रहे हो, ठीक है, स्टेटस बार भी हो सकता है, क्लोज होगा, बुलियन वैल्यू होगा, क्लोज और नॉट क्लोज, मतलब ये डिस्क्रिप्शन होती है विंडो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के अंदर। तो आप बेसिकली आप समझ सकते हो नेम और लोकेशन क्या है, नेम मतलब क्या प्रॉपर्टी सेटअप कर रहा है, किस नेम के ऊपर, अगर मैंने लिखा फॉर्म नेम इक्वल टू F1 मतलब मैंने फॉर्म का नाम लिखा है F1, F2। सिमिलरली यह लोकेशन कहाँ से आप विंडो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना चाह रहे हो, डॉक्यूमेंट कौन सा रिटर्न्स करता है, कौन सा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट आप फिट अप करने वाले हो, स्टेटस कौन सा बार हो, स्टेटस बार होगा कि भाई ये वर्कआउट हो रहा है, विंडो ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट अप जो आपके मेथड्स हैं वो क्या क्या है, अलर्ट, यहाँ पे कैसे अलर्ट जो बॉक्स होता है, कभी कभी जैसे आप कभी कंप्यूटर के अंदर आप देखो वेरी नाइसली कभी कभी देखते हो जब कभी वायरस है तो अलर्ट एक आइकॉन आ जाता है जिससे बताया जाता है कि वो जो अलर्ट बॉक्स है वो दिखाता है कि भाई यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, एरर्स है, दैट कंफर्मेशन के लिए जब हमको कोई कैंसिल बटन या ओके और नो कैंसिल बटन है तो कंफर्मेशन के लिए हम लोग बटन्स यूज़ करते तो ये कन्फर्म का ही मेथड यूज़ होगा। प्रॉम्प्ट डायलॉग बाद होता है कभी कभी, ये हमेशा प्रॉम्प्ट अप करेगा डायलॉग हो तो गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र, मतलब आप जैसे पुट कर रहे हो फॉर्म क्रिएट किया, अब प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स बताएगा भाई आपका फला इनपुट है नहीं, इसे आपको डालना है तो वो आप डालोगे, ओपन मतलब नया विंडो खोलना है, नया टैब खोलना है, तब ये ओपन मेथड यूज होगा। क्लोज मेथड में क्या होता है, क्या वो विंडो जो आपको करंटली क्लोज है, जैसे कि मैं यहाँ पे है, हमारा हमेशा देखते हैं यहाँ पर साइड में क्रॉस रहता था, क्लोज करना होता है, वो हो गया। ब्लर क्या होता है, फोकस ऑन द करंट विंडो, रिमूव जो भी फोकस है, जो भी करंट विंडो में है, जो भी फोकस है, जो उसको रिमूव करने के लिए, ब्लर करने के लिए, जैसे कि ये मेरा कंटेंट है, अब मेरे को इसमें जैसा लग थोड़ा थिंक जो है वो ब्लर करना है, तो वी आर गो विद दैट, फोकस करता है जहाँ पे आपका कहाँ पे बेसिक फोकसिंग का आपका सिंपल है कि क्या करने वाला है फोकस में, यू विल बी इन दिस मेथड यू विल बी फोकसिंग ऑन योर करंट विंडो, कहाँ पे आपको उसको सेट करना है, क्या प्रॉपर्टी सेट करनी है, प्रिंट करना है तो कुछ कंटेंट प्रिंट करना है तब वो विंडो सेट, टाइम आउट तो टाइम लिमिटेशन आपने देखा है कितने बार ऐसा होता है कि आप OTP डालते डालते कभी सर्वर डाउन होता तो मतलब टाइम आउट बताता है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट मेथड है विंडो ऑब्जेक्ट मेथड का। तो होपफुली आप समझ में आया होगा कि किस तरह से हमारा वर्कआउट होता है, ये सिंपल वे है, ये सारे मेथड्स और इम्पॉर्टेंट है जब हम प्रोग्रामिंग करने जाएंगे। तो जज़ाकअल्लाह खैर स्टूडेंट्स, सो होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जज़ाकअल्लाह।